अध्याय 12 विद्युत के चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप पिछली कक्षाओं में विद्युत और चुंबक के अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि ये दोनों एक ही घटना के दो पहलू हैं, अर्थात जहां विद्युत आवेश गतिशील होंगे वहां चुंबकीय क्षेत्र होगा और जहां परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होगा वहाँ किसी न किसी रूप में आवेश मौजूद होंगे। आप चुंबक और चुंबकीय सुई से परिचित हैं। 12.1 चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखा, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। छड़ चुंबक के समीप एक छोटी चुंबकीय सुई रखें। यह चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में रुकती है, जिससे यह पता चलता है कि चुंबकीय सुई पर एक बल लगा है और वह सुई उसके कारण एक निश्चित दिशा में घूमकर रुक जाती है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई पर बल लगता है और वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखा से दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में सुई की दिशा लगातार बदलती रहती है। जब इसको चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर ले जाएं, तो एक वक्र पथ बनता है। यह वक्र पथ ही चुंबकीय बल रेखा कहलाता है। इन बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाती है। चुंबकीय बल रेखाओं के ये गुण होते हैं। पहला, बाह्य मार्ग में ये चुंबक के उत्तरी ध्रुवों से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुवों तक जाती है। ये चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तीसरा, संपूर्णतः ये बंद वक्र हैं। चौथा, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। पांचवा, ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखा पास पास होती है, जिससे यह पता चलता है कि ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक तथा अन्य भाग में कम होती है। आप भी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा सकते हैं। आइए इसके लिए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप एक, आवश्यक सामग्री: ड्राइंग बोर्ड, सफेद कागज, ड्राइंग पिन या गोंद, छड़, चुंबक, लौह चूर्ण। विधि: पहला, सर्वप्रथम एक सफेद कागज को ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग पिन की मदद से लगाइए। दूसरा, इस कागज के बीचों बीच छड़ चुंबक रखिए। तीसरा, अब चुंबक के चारों तरफ समान रूप से लौह चूर्ण छिड़किए। चौथा, अब ड्राइंग बोर्ड को उंगलियों की मदद से हल्के से थपथपाइए। आप क्या देखते हैं उसे नोट कीजिए। आप देखेंगे कि चुंबक के कारण लौह चूर्ण पर बल लगेगा और वे एक निश्चित आकृति ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसके बल का अनुभव किया जा सकता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वे रेखाएं जिनकी दिशा में लौह चूर्ण स्वयं व्यवस्थित हो जाता है, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है। आइए इन बल रेखाओं को चुंबकीय सुई की मदद से खींचने का प्रयास करें।